नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा जीवा हेल्थ शो विद डॉक्टर प्रताप चौहान। सर, जी हिंदुस्तान के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी आंतों में सूजन की बीमारी भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये बीमारी पहले हमारे देश में बहुत कम सुनने को मिलती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में इस बीमारी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए आज इस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे ताकि इसके बचाव के तरीके जानकर हम स्वस्थ रह सके। डॉक्टर साहब, एलोपैथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की न सही वजह बताई गई है और न ही इसका कोई मुकम्मल इलाज ढूंढा गया है, लेकिन क्या आयुर्वेद की अगर बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण और निवारण बताया गया है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसे आपने कहा कि ना तो कारण मालूम है और ना चिकित्सा है उसकी, तो केवल नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बजाय चाहे आप कुछ और भी रख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल जो है हमें समझना है, और आयुर्वेद में जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसके रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में ये जो बीमारी है इसको इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी कि इडियोपैथिक का मतलब होता है कि जिसका कारण ही नहीं मालूम कि ये होती क्यों है। लेकिन आयुर्वेद में जो है हम व्यक्ति को डीपर लेवल पर समझते हैं कि कौन सा दोष का प्रकोप है, अग्नि की क्या स्थिति है, यही नहीं माइंड कैसा है, उसके इमोशनल स्थिति कैसी है, या कहीं और तो कारण नहीं है उसका। आयुर्वेद में अगर हम देखें मुख्य रूप से, सभी दर्शकों को मैं बता दूं क्योंकि ये बहुत ही एक भयंकर रोग है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज भी कहा जाता है मॉडर्न मेडिसिन में, तो हम लोग इसको पित्त के साथ जोड़ते हैं। पित्तज व्याधि है, यानी कि जब गर्मी ज्यादा हो जाएगी आपके आंतों के अंदर तो वहां सूजन भी होगी और वहां छाले भी हो जाएंगे, और कुछ हद तक जो है इसमें वात का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है। कभी कभार जब वहां पर बहुत ज्यादा जो है ड्राइनेस हो जाए तो वात भी बढ़ जाती है, यानी कि जो गर्म तासीर वाली चीजें हैं, तीखा मिर्ची मसाले, अगर आप ये खाते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, ये आगे चल के आपको पित्त को बढ़ा करके आपकी आंतों में सूजन पैदा कर सकती है। और इसके साथ साथ आम का भी रोल होता है। हम आपको बताते हैं ना कि जब आप खाना खाते हो अगर वो पूर्ण रूप से नहीं पचेगा तो एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है चिकना, वो आपकी आंतों में जाकर के जमा हो जाता है। जमने के बाद धीरे धीरे वहां पर अल्सर बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है इसका, जरा ध्यान से सुनिए, कि अगर आपको गुस्सा आता है लेकिन उस गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो सप्रेस्ड एंगर जो होता है समटाइम्स दैट गोज एंड मैनिफेस्ट इन योर इंटेस्टाइन्स, कोलन में जाकर के वहां गर्मी पैदा करता है। तो आयुर्वेद में तो हम इस प्रकार से इसका निदान करते हैं, और उसके बाद जो चिकित्सा हमारे यहाँ होती है तो निदान परिवर्जन। आपने पूछा कारण, मैंने कारण समझाया, आपने पूछा निवारण, तो निवारण जो कारण है पहले तो उसको हटाइए जी, और के बाद फिर जैसे पित्त है तो पित्त का शमन करिए, अगर आम है तो आम का पाचन करते हैं, और मानसिक तनाव है, इमोशनल प्रॉब्लम है तो उसका भी इलाज करते हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले एक वर्ष के अंदर 6,962 केसेस हमारे यहाँ जीवा में आए। जी हाँ, जीवा जो है जाना जाता है कि जितनी भी डिफिकल्ट डिजीज हैं, जितनी भी सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज, उनके सभी लोग दुनिया भर से जीवा में आते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत तरीके से हम काम करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये जो जितने भी सारे केसेस आए थे, 6,962 जो केसेस थे, इनमें 41% ऐसे केसेस थे अल्सरेटिव कोलाइटिस के जिनका रूट कॉज था इमोशनल स्ट्रेस या मानसिक तनाव या एंगर। देखिए बहुत बड़ा नंबर है ये, ध्यान रखिए, बिल्कुल बिल्कुल जो है स्वस्थ नहीं। पित्तवर्धक या एसिडिक भोजन से 34% केसेस हमारे यहाँ आए थे, और जो गैर समय खाना खाते हैं ये भी समझ लीजिए, कुछ लोग जो है लंच लेट करते हैं, कुछ लोग रात को डिनर लेट करते हैं, और फैमिली हिस्ट्री के 8% थे, गैर समय खाने वालों का 12%, और जो अन्य कारण थे अल्सरेटिव कोलाइटिस के उसमें 5% लोग थे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जीवा में जब हम काम करते हैं तो हर चीज को साइंटिफिक तरीके से और प्रॉपर एविडेंस उसका जो है हम कलेक्ट करते हैं, फिर एक चिकित्सा का पूरा प्रोटोकॉल आपको देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।
डॉक्टर चौहान, अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं तो किस तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं? देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो मुख्य लक्षण होता है, एक तो ब्लीडिंग होती है, स्टूल के साथ ब्लीडिंग, और काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसके कारण जो है कमजोरी भी हो सकती है और आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, वजन भी कम हो जाता है लोगों का, क्योंकि मोशन भी इसमें बार बार आता है आपको। और दूसरा जो है आंतों के अंदर जो है, क्योंकि छाले हैं, कई बार वहां पर छेद हो जाता है, परफोरेशन बोलते हैं इसको, जरा ध्यान से सुनिए इसको, और आगे चल करके जो है कोलन में आपकी आंतों में कैंसर तक हो सकता है। थोड़ा गंभीर विषय है। अगर कोई भी व्यक्ति अल्सरेटिव कोलाइटिस का आप जानते हैं या आपको पीड़ कोई रोग है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो देर मत करिए, आप जीवा में संपर्क तुरंत करिए। जोड़ों में दर्द अक्सर होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है, और पूरे बॉडी में ही उसको कहीं ना कहीं फुल बॉडी पेन जिसको कहते हैं ना, सर्वांग वेदना आयुर्वेद में बोलते हैं। आमतौर पर लोग जो है स्टीरॉयड लेते हैं, इसमें डॉक्टर्स कुछ ऐसी दवाई देते हैं जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, तो फिर जो लोग हमारे पास आते हैं तो स्टीरॉयड के भी काफ़ी सारे साइड इफेक्ट आप सभी जानते हो आजकल, तो वो भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है हमारे लिए, उसको भी हमें मैनेज करना पड़ता है। और डेटा पर आधारित होता है सब चीज, जो है शास्त्र के अनुसार हम लोग जो है चिकित्सा करते हैं, प्रोटोकॉल हमारे बनते हैं। डाइट लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरा डाइट चार्ट बना करके देते हैं, और साथ में जो है माइंड के लिए योग प्राणायाम मेडिटेशन, जीवा मेडिटेशन हमारी पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, तो पूरा जो है 360 डिग्री सॉल्यूशन है। एक मैं आपके साथ केस स्टडी यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस है, जो कि हमारे टेलीमेडिसिन, जिसको हम मेडिकल रिसर्च सेंटर MRC उसको बोलते हैं हम लोग, वीडियो कंसल्टेशन से, केवल पेशेंट आया नहीं, केवल वीडियो, आप घर बैठे भी हमारे यहाँ डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। 10 साल पुराना केस था, केवल 5 महीने में उसको रिलीफ मिला, केवल 5 महीने। देखिए बहुत बड़ा एक रिजल्ट है, 8-9 बार वो मोशन जाता था जब वो हमारे पास आया था, गैस, एसिडिटी, कमजोरी बहुत ज्यादा थी शरीर में, और सिर में दर्द और नींद ना। लेकिन जब उसने दवाई लेनी शुरू की तो दूसरे तीसरे महीने में ही उसको रिलीफ आना शुरू हो गया। ये आयुर्वेद की शक्ति है, आपसे भी हम बार बार इसीलिए कहते हैं आयुर्वेद से जुड़िए और आयुर्वेदिक तरीके से अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए। डॉक्टर चौहान, क्या कारण है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के मामले भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं? आयुर्वेद में इसका कारगर इलाज क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जब 20-25 साल पहले जब हम प्रैक्टिस करते थे अपनी, तब इतने केसेस नहीं आते थे, आजकल बहुत केसेस जा रहे हैं हमारे पास भी। मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे पहले तो हमने अपना खान पान जो है वो बहुत बिगाड़ दिया है। हम लोग जो है एक विशेष जो है जेनेटिक के बने हुए, हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो हमने छोड़ करके हमने कोई विदेशी फूड्स को ज़्यादा जो है अपना लिया, जिससे हमारा सिस्टम कंफ्यूज होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। जितना मैं देखता हूँ विदेशों में, मैं कम से कम 40 देशों में मैं जाता हूँ आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए, वहां पर बहुत हेल्थ कॉन्शियस है लोग, खाने पीने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपनी, सबसे पहले अपनी प्रकृति को समझें। आपका शरीर वात वाला है, पित्त वाला है, कफ वाला है, उसी के अनुसार, जैसे आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल की है, डीजल की है, CNG की। पेट्रोल की गाड़ी में आप जो है डीजल नहीं डाल सकते। इसी तरह से अगर पित्त प्रकृति का है आदमी, तो उसका खाना उसी हिसाब से आपको खाना है। अगर आपको अपनी प्रकृति नहीं मालूम है तो आप जीवा की वेबसाइट पर जाइए, ayurveda.jeeva.com/vpk। वहां एक आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप भरेंगे जब क्वेश्चनेयर, तो आपको अपनी प्रकृति मालूम हो जाएगी। बहुत सरल है, कोई भी अपनी प्रकृति जान सकता है। और तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण और भी मैं ये कह सकता हूँ, 2-3 बजे से पहले लोग सोते ही नहीं। मैं जिसको भी पूछता हूँ, मतलब 12-1 बजे तो कॉमन है, और डिनर करेंगे रात को 11 बजे, तो ये सारा जो है हमारे सिस्टम के विपरीत है। इसलिए जो हमारा सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी को अटैक करने लगता है। जो डिफेंस करने का सिस्टम है वो कंफ्यूज होकर अटैक करने लगता है, इसी को ऑटो इम्यून बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली चीज है कि आप अपनी प्रकृति को समझें, उसी के अनुसार अपना भोजन, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति,
पित्तवर्धक भोजन यानी के गर्म तासीर वाली चीजें, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज, अंडा, तीखा, तला हुआ, ये नहीं खाना है। अगर आपको थोड़े थोड़े भी लक्षण है तो तुरंत बंद कर दीजिए। जीवा का डाइजेस्टॉल, ये तो मैं बार बार बताता हूँ, बहुत अच्छा चूर्ण है, हर घर में होना चाहिए, कभी कभार खाया जाता है। कुछ गर्म चीज खा ली तो एक डाइजेस्टॉल का पाउच खा लीजिए, वो उसको बैलेंस कर देगा। तो और जीवा का आम पाचक चूर्ण भी आपके पास रहना ही चाहिए। तनाव से, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो तनाव के कारण है, तो जीवा की स्ट्रेस फ्री टेबलेट, और अगर नींद नहीं आती है रात को तो जीवा की स्लीप वेल टेबलेट। स्ट्रेस फ्री तो सबको लेनी चाहिए, आजकल कोई व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जिसको तनाव ना हो, बहुत सारे कारण हैं तनाव के, लेकिन स्ट्रेस फ्री जो है आपके माइंड को फ्रेश रखती है और आपके मनोबल को बढ़ाती है। सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण कई मरीजों में 30 साल की उम्र में ही सामने आ जाते हैं और कई मरीजों में 60 साल के बाद भी इसके लक्षण जो हैं वो नजर नहीं आते। ऐसे में कैसे पता करें कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के शिकार हो रहे हैं या नहीं? देखिए, इसमें मेन तो यही है, आपको जो है अपना जो बावल हैबिट्स हैं उनको जी देखना है। कभी कभार क्या होता है कि आपको दिन में मान लो 3-4 बार जाना पड़ता है, बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि एक बार में पेट साफ नहीं होता, तो यहां से आपको ये सतर्क हो जाना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जो बिल्कुल नॉर्मल जो हेल्दी बाउल मूवमेंट होती है वो 24 घंटे में एक बार सुबह मोशन अगर आपको हो जाए क्लियर तो फिर कोई जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों को आदत होती है और शाम को भी चले जाते हैं, वो भी नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको ब्रेकफास्ट के बाद भी जाना पड़ता है, लंच के बाद भी जाना पड़ता है, या फिर जो है अपच इनडाइजेशन रहता है आपको पेट में, भारीपन, गैस वगैरह, कोई भी लक्षण आपको अगर आपके पेट के अंदर आ रहे हैं उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको आपको बहुत ध्यान से और बिल्कुल सतर्कता से वहीं पर उसको ठीक करना है, क्योंकि यही छोटी छोटी सी चीजें आगे चल के कैंसर तक बनाती है। आजकल कोलन कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप लोगों को मालूम होगा, कई बार इसका पता ही नहीं चलता, लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तब आपको मालूम चलता है, क्योंकि पहले आपने ध्यान नहीं दिया, मोशन पर ध्यान नहीं दिया, गैस एसिडिटी पर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मेरा निवेदन सभी से है कि आप जो है अपने गट यानी कि अपने डाइजेस्टिव ट्रैक, पाचन तंत्र जिसको हम कहते हैं, इस पर हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे शरीर का ये मेन सिस्टम, ये एक तरह से हमारा सेंट्रल एक तरह से सिस्टम है, क्योंकि जो भी कुछ शरीर में जाता है इसी के माध्यम से पूरे दूसरे जगह पर पहुंचता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो डायल कीजिए सेहत का ये नंबर और इस बीमारी से आप भी पीछा छुड़ा सकते हैं। चलिए, अब बारी है डॉक्टर चौहान से सेहत का सवाल पूछने की। सेहत का सवाल लेकर एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आइए सुनते हैं उनकी समस्या क्या है। नमस्कार डॉक्टर सर, मैं नेहा बोल रही हूँ। मेरा नाम नेहा पाठक है और मेरी ये 14 ईयर्स की है। मैं बहराइच ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है कि आप मेरी हेल्प करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा फील होगा, इसलिए मैं आज आपसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछना करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी देखिए, बहुत अच्छा आपने जो है एक प्रश्न पूछा है और आप अभी बहुत युवा हैं। मेरा जो है आपको केवल सबसे पहले सजेशन ये है कि आप जो आयुर्वेद से जुड़े हैं युवावस्था में, ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, क्योंकि कई बार लोग बहुत लेट हो जाते हैं, और त्वचा के मामले में युवा लोगों की त्वचा आजकल बहुत खराब हो रही है। उसका मूल कारण क्या होता है कि हम लोग त्वचा की देखरेख नहीं करते। स्किन केयर के नाम पर क्या करते हैं, हम लोग चेहरे पर केमिकल्स बहुत लगाते हैं, बहुत तरह के आजकल केमिकल्स क्रीम्स आ रहे हैं, जो कुछ ना कुछ जो हम सोचते हैं इससे हम सुंदर हो जाएंगे, इससे हमारा कलर फेयर हो जाएगा। पहली बात तो कलर आपका कभी बदलता नहीं है, जो कलर आपका जो मेलानिन है, पिगमेंट है, वैसा ही रहता है। तो इसलिए आप सबसे पहले तो कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स प्रयोग नहीं करें। जीवा में बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉश है, क्रीम्स हैं, आपके लिए मैं बता दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी एक टर्मरिक क्रीम है और एक क्यूकम्बर की क्रीम है, खीरे वाले, ये प्रयोग करें। और इंटरनली नीम बहुत अच्छा रहता है, इसमें नीम के पत्ते अगर मिलते हैं तो वो सेवन करिए, नहीं तो जीवा में नीम टेबलेट मिलती है, नीम का सिरप मिलता है। तो ये सारी चीजें तो मैं जनरल स्किन केयर के लिए आपको बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपका एक रोग ऑलरेडी हो चुका है
तो इसके लिए एक बार हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप डायरेक्ट कंसल्टेशन करिए। आजकल वीडियो कंसल्टेशन हमारे यहाँ चालू है, और अगर आप बंगाल में रहते हैं जैसे, तो अगर कोलकाता में है तो वहां पर हमारी क्लिनिक भी है, तो पर्सनली जाके दिखाइए। इन द मीन टाइम आप ये चीजें शुरू कर दीजिए, नीम का जो है नीम के पत्ते खाना शुरू करिए, और थोड़ा सा जो है नेचुरल जीवा के प्रोडक्ट्स जरूर प्रयोग करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं डॉक्टर चौहान ने जो बातें बताई हैं आप उसे जरूर फॉलो करेंगी। डॉक्टर चौहान, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में एक बात तो समझ में आ गई कि अनहेल्दी फूड इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। ऐसे में हमारे दर्शकों को इस बीमारी से बचने और अपनी आंतों का ख्याल रखने के लिए कोई टिप्स बताएं। देखिए, आयुर्वेद में तो मैं एक चीज हमेशा बताता हूं, आंतों के लिए सबसे अच्छी है छाछ। छाछ पीनी चाहिए, आयुर्वेद में इसको तक्र बोलते हैं, यानी कि जब हम दही में पानी मिलाते हैं उसमें से मथ करके मक्खन बाहर निकाल देते हैं, उसको छाछ बोलते हैं। पतली सी छाछ बनाइए, उसमें भुना हुआ जीरा, ताजा पुदीना, धनिया पीस करके वो भी डाल सकते हैं, और अनार का जूस भी बहुत अच्छा रहता है, खासतौर से उन लोगों को जिनको थोड़ा बहुत कुछ डिसेंट्री टाइप के लक्षण है, आम जैसा कुछ लक्षण आ रहा है। बेल का जूस बहुत बढ़िया है, जब भी आपको बेल का सीजन आता है वो जरूर पिए, और एल्कलाइन डाइट पर ज्यादा फोकस रखिए। आप ये समझ लीजिए 80 से 85% आपकी डाइट एल्कलाइन होनी चाहिए, यानी कि एसिडिक, खट्टा, तीखा उसमें ज्यादा मत रखिए, और स्ट्रेस को जरूर मैनेज करना है। हमने कई तरह की चीजें आपके लिए बनाई हैं, स्ट्रेस फ्री तो मैं बताता ही हूँ। घर में अच्छा कोई एरोमा लगाइए, म्यूजिक बहुत अच्छा है, या मेडिटेशन कर सकते हैं, जीवा मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इसके साथ साथ साल में एक बार जरूर जो है जीवाग्राम में आकर के पूरा अपना इंटरनल क्लीनिंग आपको कराना है, ताकि आपके गट का जो फ्लोरा है, बैक्टीरिया है, वो दोबारा से जो है रिवाइव हो जाए। डॉक्टर चौहान, इस वक्त सेहत का सवाल लेकर एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनकी समस्या भी सुन लेते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर चौहान, मैं मनोज कुमार पांडे मऊ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मुझको आपकी दवाइयों से बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे मेरे पेट में कब्ज थी, रिलीफ है। अभी मेरी समस्या है, मेरे दो बच्चे हैं, एक 18 साल का, एक 22 साल का, उन दोनों के आधे बाल झड़ गए हैं। इसके लिए कोई उपाय बताएं, कोई दवाई प्रेस्क्राइब करें। हाँ जी, देखिए मनोज कुमार जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई के आपका रोग जो है जीवा आयुर्वेद की दवाई से ठीक हुआ, और अभी आप अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं कि जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, और यंग बच्चे हैं अभी आपके, 18-20 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि आप उनको थोड़ा सा समझाइए, अगर नहीं समझते हैं तो हमारे डॉक्टर से बातचीत कराइए, हमारे डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट हैं आजकल यूथ के साथ कैसे जो है कनेक्ट करना। कई बार क्या होता है, जो यूथ है आज का, जो युवा बच्चे हैं, वो ज्यादा माँ बाप की बात नहीं सुनते, उनको लगता है माँ बाप ज्यादा जो है हमें हमेशा डांटते रहते हैं, तो कभी अच्छा रहता है कि आप हमारे किसी डॉक्टर से उनकी बात करा दीजिए। और खाने पीने में जो आजकल जो है गर्म चीजें जो खाते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उसको जो है थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आंवला बहुत अच्छा है, ताजा आंवला मिले तो रोज आंवला खाएं, नहीं तो जीवा से आंवला जूस, आंवला टेबलेट आपको मिल जाएगी। और बालों में ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए, जीवा का भृंगराज ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ केवल एक चीज मैं बता दूं आपको कि क्योंकि इनको ये ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई और भी कारण हो, तो आप जैसे हमारे यहाँ से कंसल्टेशन करके दवाई लेके पर्सनलाइज आप ठीक हुए, तो आपके बच्चों की भी एक कंसल्टेशन कराइए, ताकि उनका भी जो है एक रूट कॉज हम एनालिसिस करके और प्रॉपर दवाई भी दें। लेकिन भृंगराज ऑयल और आंवला ऑयल और कई प्रकार के शैम्पू, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। हेयर केयर अगर आपको करनी है, बालों को स्वस्थ रखना है, बालों को अच्छा बनाना है, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें। तो अगर आप भी अल्सरेटिव कोलाइटिस या किसी भी बीमारी से परेशान हैं, तो अभी जीवा के डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए कंसल्टेशन बुक करें और अपनी बीमारी का समाधान पाएं। जीवा के सेहत का नंबर है 01294040404। डॉक्टर साहब, आज आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी का आयुर्वेदिक समाधान हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद श्वेता जी।
हमारी यही कोशिश है कि आपको घर बैठे सेहतमंद रहने का मंत्र मिले, इसलिए जीवा हेल्थ शो विद डॉक्टर प्रताप चौहान को हर रोज देखिए, क्योंकि जब हम रहेंगे हेल्दी तभी तो इंडिया बनेगा हेल्दी। नमस्कार।